जिला संचालक जी डॉक्टर सुरेश जी, जिला कारोबार जी, प्रबंध निदेशक शैक्षिक समूह डॉक्टर वी के शर्मा जी, डॉक्टर वी ए शुक्ला जी, डॉक्टर वात्सल्य उपाध्याय जी, सभी मंचासीन अन्य शख्सियत, उपस्थित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बंधु, आगंतुक महानुभाव, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा कि मुझे आने में विलंब हुआ। मुझे आना था पहले और आपका कार्यक्रम भी बहुत पहले से तय था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, मैं उनके साथ मथुरा पहुंचा और मथुरा से आगरा आया। जब उनसे इजाजत मिली तब आप लोगों के बीच में आ पाए। तब कहा था वहां से कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न ले जाए आपके साथ, जबकि मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर आना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन आपका प्यार था जो मुझे कह रहा था, लेकिन उनके आदेश का अनुपालन मुझे करना था। ये मजबूरी थी, कुछ तो मजबूरी अभी होगी तो यूं ही जवाब कर दूंगा। तो मेरे लिए मजबूरी थी, इससे मैं विलंब से आया, लेट हुआ, मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। मित्रों, दो तीन विषय यहीं से मेरे मंच से और दो तीन जो आपने काम किया उससे थोड़ा थोड़ा आगे तो शुरू हुआ। अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि यह क्षेत्र शिक्षा से लगा हुआ था, इनको खुद 3 घंटे बस की सवारी करनी पड़ती थी और जाते थे, इन्होंने कांग्रेस होता और इन्होंने यहां पर शिक्षा के बहुत लक्ष्य खड़ा किया और ये बताया कि यहां पर कई विषयों में पहला जो ग्रेजुएट किया है उस ग्रेजुएट हुआ है, तो इनके प्रयासों से हुआ है। इन्होंने पीड़ा को भोगा था, इसलिए उसके निराकरण का प्रयास भी किया। जाके पैर न पड़ी बीमारी वो क्या जाने की पढ़ाई कराई, ये जानते थे उस पीड़ा को और इनके आंसू भी आते थे। दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा इस विषय पर किसी शायर की, ये अगर महजत कहीं दूर है तो चलो यूं पर चले, क्योंकि ये जब इस बात की पीड़ा का अनुभव करते थे कि आपको आंसू आते थे तो जरा के तो सभी लोगों के आंसू और आंसू आते होंगे, चलो हम जो पढ़ने के लिए इच्छुक होते होंगे। तो मस्जिद कहीं गुरु है तो चलो यूं कर चले, किसी रोकते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज यहां के रोती हुई तरुणाई को एक दिशा दी है, हंसने का मुकाम दिया है और एक लक्ष्य दिया है आगे बढ़ने, इसलिए विशेषकर बढ़ने की बात है। मैं इनके हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। शिक्षा दान महादान है और इन्होंने ये भी जिक्र किया था कि हम समाज सेवा के लिए शिक्षा कर रहे हैं। शिक्षा है तो मिशन, एजुकेशन इज मिशन, इट इज नॉट प्रोफेशन। लेकिन कुछ लोगों ने इसे प्रोफेशन बना दिया है, एजुकेशन को मिशन बनाए हुए हैं, तो ये समाज के लिए अभिनंदन के योग्य है, इनका अभिनंदन होना चाहिए।
क्योंकि शिक्षा देश का भविष्य बनाती है, व्यक्ति का भविष्य बनाती है, समाज का भविष्य बनाती है। यह सुनने में कितना अच्छा लगा कि इस क्षेत्र को पहला बीएससी, पहला एमएससी और जो उन्होंने बताया तो समाज को उन्होंने शिक्षित किया, समाज समृद्ध हुआ, क्षेत्र समृद्ध हुआ और जहां भी जाएंगे ये इस शिक्षा को प्राप्त करके भगवान को समर्पित करेंगे। ये समाज सेवा है, समाज सेवा बहुत लोग करते हैं, कुछ शौक के लिए करते हैं, कुछ स्वभाव के लिए। तो स्वभाव से समाज सेवा की गई। हम लोग जो राजनीति करते थे शुरुआत की थी तो मात्र 2 MP पूरे देश में और 12 MLA प्रदेश में, विचारों की राजनीति थी हमारे। संघ स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित हुए थे, वहां से निकले विद्यार्थी जनरल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हम मंत्री बनेंगे तो छोड़िए, पूरे आगरा से विधायक बनेगा इसकी मैं कल्पना नहीं थी। लेकिन क्यों लगे थे? सत्ता की राजनीति नहीं करता है संघ का स्वयं सेवक या संघ से निकला हुआ है विचार से उत्पन्न व्यक्ति, वो समाज परिवर्तन की राजनीति करता है। आज समाज परिवर्तन हो रहा है, देश बदल नहीं रहा है, देश नया बन रहा है, विश्व बन गए। मैं भी नीदरलैंड में प्रेस गया था, माननीय योगी जी ने भेजा था, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने उत्तर प्रदेश को, वहां के इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए हमारे जिला जी इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डॉट डिपार्टमेंट थे, मध्यप्रदेश थे, वह भी कभी गए थे 20 साल पहले। उनका अपना अनुभव था, बोले वहां पर भारतवासियों को बड़ा उस दृष्टि से देखा जाता है कि जो भारतवासी ने देखा। हम भी पहुंचे, पेरिस का परफ्यूम प्रसिद्ध है, उस दुकान पर पहुंचे और फ्रांस वासियों को एक बात और अच्छी है कि फ्रेंच में पहले बात करते हैं, उनको अपनी भाषा पर घमंड है, गर्व है, अगर समझता नहीं सामने वाले तब दूसरी भाषा का प्रयोग करते। हमारे यहां अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा विद्वान समझा जाता है और हिंदी अच्छी से अच्छी बोलने वाला चाहे जितना बड़ा विद्वान हो उसको विद्वान नहीं समझा जाता। वहां पर मैंने देखा तो उन्होंने पहले फ्रेंच में बात की जो बात रुपया थी, मैं तो फ्रेंच जानता नहीं था। तो फिर जब मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया कि उनकी कॉस्ट क्या है ये सब, तो बगल में कुछ लोग खड़े थे, बोले यू आर फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम इंडिया फ्रॉम यूपी, No, you are from Modi's country, from Yogi's state. ये परिवर्तन देखा है। उस समय मेरा सीधा छप्पन इंची का हो गया, जब कोई विदेशी है देखा हो आप योगी के राज्य से है, मोदी के देश से है, ये परिवर्तन है। और उसी परिवर्तन का ये सिलसिला आप G20 देख रहे हैं। अब परिवर्तन नहीं, अब देश नेतृत्व कर रहा है। 20 देश है इसमें जिन पर पूरे विश्व की जिनकी 60% आबादी है, 50% का इकोनॉमी का कब्जा है, 70% जिनका क्षेत्रफल है। इससे पहले कभी भारत को अवसर मिला उस आयोजन का हिंदुस्तान में करने का या किसी भारतवासी को अवसर मिला कि उसके
अगुवाई करने का, उसकी सदा करने का। मेरा पिता मोदी है, आज वो स्वराज का राज्य कर रहा है। ये है, ये बदलाव है। आप लोगों ने जो आज फॉर यूनिटी फॉर G20 किया है, इसके पीछे भी मकसद है कि अंतिम छोर पर बैठे वो व्यक्ति को बताना कि G20 है क्या, भारत ने क्या गौरव हासिल किया है। लेकिन जो समझते नहीं कि G20 की शुरुआत जो आए विदेशी बैठ के हुई मीटिंग हुई चले, विश्व में कहीं पर भी कोई घटना होगी उसका असर कहीं ना कहीं दूर बैठे हुए किसी न किसी गांव पर पहुंचता। सत्यजीत रे हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, फिल्म डायरेक्टर, पुराने लोगों ने उनका नाम सुना हो। उन्होंने फिल्म बनाई थी ऑटोमी सुनके, उसमें दिखाया था कि विश्व युद्ध के बाद बंगाल के एक छोटे से गांव में विश्व युद्ध किन किन देशों से लड़ा जा रहा है, किस जगह उसका युद्ध हो रहा है, जो स्थल कौन सा है, देश कौन से है, लेकिन उसका असर बंगाल के छोटे से गांव के छोटे से परिवार में कैसे हो रहा है, यह फिल्म का उनका थीम था। यानी घटना कहीं पर भी हो लेकिन सूर गांव तक में किसी व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ता है, इसलिए विश्व के संगठन बनते हैं। युवा बोला क्योंकि पहले चाहे जो एक दूसरे का आक्रमण करते थे, किसी की महत्वाकांक्षा जागर तो फिर विश्व के स्थल का वजह पर निकल जाता था, ना कोई रोक ना टोक आवश्यकता महसूस हुई शांति के लिए। युवा बोला फिर नाटो वाराणसी को बना के कैसे संगठन बने, तीसरी शक्ति एक कहलाती थी वो बनाया। फिर ये G7 हुआ था, बढ़ के G20 हुआ और 13 देश अन्य है जो इसके अलग सदस्य है। इन सबसे मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति पूरी वसुधैव कुटुंब है उसकी बात करती है। आज पूरे विश्व को पहचाना है इसलिए संगठन है, और तो हमारी उस संस्कृति को मूल पूरे विश्व समझ लिया कि हिंदुस्तान की सरहमी इसकी भूमि से, इसकी पवित्र धरती से यह विचार पैदा हुआ है, इसलिए यहीं पर इसका सम्मेलन होना चाहिए। सम्मेलन हुआ एक दूसरे की परेशानी समझी जाएगी, एक दूसरे से सहयोग कैसे होगा समझा जाएगा, कैसे हम उसके दुखों में सहभागिता करते हैं, दूसरा सुखी है तो उसको सुख को कैसे बांट सकता है। यह तो उस कम है, एक कुटुंब है हमारे संस्कृति के मूल बिंदु में जो है उसकी अगुवाई, उसका विचारों का प्रदर्शन G20 के माध्यम से पूरे विश्व में हुआ है। ये G20 योग हम भूल गए थे, बीच में एक कार्यक्रम आया, कार्यक्रम ऐसा आया जब लोग भूल गए कि योग क्या होता है। योग से शारीरिक जो दूर होते हैं, मानसिक संतुलन और मानसिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है, और जब उससे ऊपर उठता है तो प्राणी मात्र की कल्पना करता है कि प्राणी मात्र का कैसे भला हो, तब आध्यात्म तक पहुंचता है योग। ये योग जब भूल गए हम लोग, आज योगी ने पूरे विश्व को बता दिया योग क्या होता है। विश्व गुरु की ओर पहुंच रहा है योगी जी के नेतृत्व।
وصلت قلوبكم یہ ہے یہ دین ہوتی ہے اور اس طرح سب کو ملتا ہے چھوٹی سی بات اگر میں ہوں کہ جب آپ نکلے ہوں گے مال روڈ سے ہوتے ہوئے ہوائی اڈے تک دشا بدل گئی ہے پورے جگہ جو اسمارٹ سٹی نہیں دے پائی جی 20 کے یہاں پر آگ بننے دے دیا ہے یہاں کے واسطوں کو جہاں جہاں یہ ہوا ہے جہاں جہاں اس کے لوگ پہنچیں گے وہاں پر یہ پرورتن ہے یہ لابھ ہے وہ کہنا جی پرتی سے ہمیں کہ لابھ ہو ہی ہو گیا اور تج کستے پپو بات کر رہا نہیں کرتے ہیں للو بات کر رہا نہیں کرتے ہیں اگلے جانو جی ہاؤس سے بولے کہ وہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے بولے میں گیا ہے کہ سکول میں میرے بچے سے پوچھا تو مجھے جانتے ہو گیا جانتا ہوں بولے میں کون ہوں بولے راہل گاندھی تو ہمارے یہاں کی بولے کیا وہ کیا کہہ رہے بچے آپ کچھ سے سمجھ رہا تھا راہل گاندھی کو نہیں ہے تمہاری کچھ دیر کے پہلے جانا ہوں تم راہل گاندھی ہو سکتے ہو تو یہ لیڈرشپ ہم نے دی ہے پورے وشو میں جاتی پروار کی راجنی کی سلوک پر اٹھ کر یعنی پورا وشو یعنی کسی کو نیتا مان رہا ہے وہ میرا نیتا مودی آج وہ صرف ہندوستان کا پردھان منتری نہیں ہے پورے وشو کا پردھان منتری بن چکا ہے مودی بولتا ہے دنیا سنتی ہے مودی کہتا ہے دنیا مانتی ہے یہ مطلب آپ نے اس الگ تو گاؤں گاؤں تک پہنچے لوگ جانے جی کرتی کیا ہے اس کے لئے 6-7 کروڑ تک میرا تن دوڑ کی ہے جوانوں نے شرکت کی ہے بچیوں نے بچوں نے اس کو شرکت کی ہے اس کی مثال لے کے نکلے ہیں اس ودیالے نے آیوجت کیا ہے لوگوں نے کیا آیوجت کیا ہے تو جو آج وشو میں بھارت کی کتھا کا پھیلا رہی ہے اس کا گاؤں پر میں احساس ہو یہ آیوجت آپ نے جو کیا ہے اس کے لیے کہہ کے گھر آئی اسے میں آپ کا وندن کرتا ہوں وندن کرتا ہوں آپ کو نمبر کرتا ہوں ایسے کہہ کے میں آپ نے مجھے بلایا اس کے لیے آپ کا آباد فلم سے آپ آیا اس کے لیے پورے معافی مانگتا ہوا کا اس کا ایک رہا ہے